तो वो देखिए, वो भाई साहब अभी तक कुछ कुछ फेंक रहे हैं जब हम गए थे। और वो देखिए, वो बच्चे हैं वहाँ पे, वो वेट कर रहे हैं कोई ऐसा वेस्ट आएगा जो वो बेच सकें बाद में। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम टू द पंजाबी वॉन्डरर्स यूट्यूब चैनल। वैसे तो एक ट्रैवल यूट्यूब चैनल है और इस चैनल पे आइसलैंड, ग्रीनलैंड, रशिया, कजाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और यूरोप के बहुत सारे देशों से बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। लेकिन अभी चल रहा है लॉकडाउन, तो मैं अपने घर पे ही था, होम टाउन में कपूरथला में। तो आई थॉट व्हाई नॉट मेक सम वीडियोस ऑन कपूरथला। सो आज की वीडियो होगी अबाउट कांचली, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम टू द पंजाबी वॉन्डरर्स यूट्यूब चैनल, पंजाबी वॉन्डरर। और तो पिछला मैंने मोटो व्लॉग किया था, उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है आप लोगों ने, तो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अनदर मोटो व्लॉग। देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं पहले किक पे। हो गया है, ओके। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो होने वाली है अबाउट अ प्लेस जो मेरी फेवरेट प्लेस हुआ करती थी बचपन में। आई यूज़ टू गो देयर, मुझे ध्यान है वहाँ पे बोटिंग हुआ करती थी। कपूरथला में एक लेक है, मतलब लेक प्लस वेटलैंड है, लेकिन आजकल उसका कबाड़ा हो चुका है। कबाड़ा करने में There has been equal contribution from the people and from the government. तो आपको दिखाते हैं चल के वहाँ पे कि सीन क्या है। तो हम अभी निकल रहे हैं बहुत ही सुंदर रोड से। आज का पूरा जो ड्राइव होगा वो बहुत ही सुंदर होगा, बस उसका जो एंड होगा ना वो सुंदर नहीं होगा, क्योंकि एंड में हम जाएंगे कांचली वेटलैंड और वहाँ का नज़ारा देख के आपको बहुत ही दुख होगा। मतलब दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट कपूरथला, दिस इज़ अबाउट एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो अभी बात कर लेते हैं कांचली के बारे में, कांचली वेटलैंड। तो कांचली वेटलैंड आप सोच रहे हो कि ऐसे कोई लोकल सी चीज़ होगी, इट्स नॉट लोकल। जो कांचली वेटलैंड है वो दैट वाज लिस्टेड इन रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर कन्वेंशन इज़ अ कन्वेंशन ट्रीटी साइंड इन ईरान इन द प्लेस कॉल्ड रामसर। तो वहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुई थी टू प्रिजर्व दी वेटलैंड्स, ठीक है। तो ये वेटलैंड्स प्रिजर्वेशन के लिए ट्रीटी साइन हुई थी और पंजाब में सिर्फ 3 ही ऐसे वेटलैंड्स हैं जो कि इसमें लिस्टेड हैं। पहला है कांजली, दूसरा है हरी के पत्तन और तीसरा है रोपड़। अब हरी के पत्तन भी मैं गया हूँ, उसके भी हाल तो बुरे हैं लेकिन स्टिल मच बेटर देन कांजली, क्योंकि वहाँ पे जो है सतलुज ब्यास का मिलन होता है और वहाँ पे फ्लो पानी का काफ़ी ज़्यादा है। तो इट्स ऑल सॉर्टेड कि इतना फ्लो है पानी का, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो कांचली है दैट्स मैन मेड एक्चुअली। 1870 में इसको बनाया गया था। तो इसका सोर्स क्या है कि जो हमारी ब्यास नदी है उसका एक रिवलेट है, उसकी एक क्या बोलते हैं उसको ट्रिब्यूटरी है काली बेई। तो काली बेई आपने सुना ही होगा, क्योंकि अगर आप पंजाब में रहे हो, आपने स्कूल में पढ़ा है, तो गुरु नानक देव जी की हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंस है काली बेई की, क्योंकि काली बेई में ही वो एलोप हुए थे फॉर अ फ्यू डेज और फिर जब वो बाहर आए थे काली बेई से तो उन्हें मूल मंत्र की प्राप्ति हो चुकी थी कि भाई कुछ नहीं रखा है धर्म वर्म में, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। तो दैट इज़ द रिलीजियस इम्पोर्टेंस ऑफ काली वेई। अब जो काली वेई है वो सुल्तानपुर लोधी तक जाती है, वहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरी हो चुकी है। अभी जब 550th एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी की तब मैं गया था सुल्तानपुर लोधी और काफ़ी साफ़ था वहाँ पे काली वेई, ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ
संत बलवीर सिंह जो कि पद्मश्री भी हैं, उन्होंने बहुत काम किया है वाटर बॉडीज़ की कंजर्वेशन पे। तो उन्होंने काली बही पूरी साफ़ करी है। इनफैक्ट वो यहाँ पे कांजली में भी आए थे, मैं उनसे मिला सुल्तानपुर में जाके। तो मैंने उनसे बोला कि बाबा जी यार ये हमारी कांजली का भी कुछ कीजिए। तो उन्होंने कहा पुत्र मैं तो किया सीगा, मैं शुरू किया सी काम, एज इन मैंने काम शुरू किया था, लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिला गवर्नमेंट से, तो काम रह गया बीच में ऐसे ही। तो प्रॉब्लम है क्या, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप देख रहे हैं कितना प्लास्टिक वेस्ट है। हम लोग जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, जब भी कोई चीज़ यूज़ करने के लिए लेते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि उसका कितना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस चीज़ से। अब जैसे कोई चीज़ हमने बाज़ार से ली, वो ऑलरेडी पैकेट में काफ़ी बदबू, ये एक डंप यार्ड सा है, ग्राउंड लैंडफिल जिसको बोलते हैं। तो हम ये नहीं देखते कि भाई इस जैसे कोई चीज़ ऑलरेडी पैक्ड है, कोई बिस्किट का पैकेट है, दुकानदार जो होता है वो देता है लो जी भाई साहब लिफाफा में डाल लो, उसको मना करो कि भाई लिफाफा नहीं चाहिए, ऑलरेडी बिस्किट इज पैक्ड, लिफाफा क्यों चाहिए। और जब हम जाते हैं सब्जी लेने तो कैरी अ क्लॉथ बैग, जिसे हम थैला बोलते हैं, तो एक मिनट उसे वो पैक कर लेते हैं फटाफट से। हाँ, तो कैरी अ क्लॉथ बैग, क्लॉथ बैग, थैला, या सिंपल कोई भी बैग, जैसे हम जो जाते हैं बच्चे जैसे कॉलेज स्कूल गोइंग किड्स, उनके पास बैग्स होते हैं, वो बैग लेके जाइए बाज़ार, अपने उसमें डालिए। पॉली बैग्स कम से कम यूज़ करिए, बिकॉज पॉली बैग्स को डीकम्पोज होने में पता नहीं कितने हज़ारों साल लगते हैं, और हम तो भाई उसे मौका भी नहीं देते डीकम्पोज होने का, हम तो बोलते हैं भाई जला दो इसको, ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो अपने फेफड़ों में आ जाएगा, ठीक है ये बात समझिए। तो ये तो मैं देखता हूँ भाई यहाँ पे हर कोई बंदा, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो कुछ भी है, उसको बड़ा शौक है आग लगाने का, थोड़ा सा कूड़ा इकट्ठा करा आग लगा दी। दुकानदार होते हैं वे जो वेस्ट निकला रात का इकट्ठा करा आग लगा दी, तो वो गलत है। अपना वेस्ट कम से कम करिए, और कोशिश करिए जो वेस्ट रिसाइकलेबल है, जैसे गत्ता है, पेपर है, उसको रद्दी वाले को दिखाइए, उसको आग मत लगाइए। एनीवेज मैं तो बोलता रहता हूँ, आई एम वेरी वोकल अबाउट ऑल दिस यू नो नेचर कंजर्वेशन एंड ऑल दिस, बट लोग क्या फ़र्क पड़ता है, लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन एटलीस्ट अगर 10 लोग भी ये वीडियो देख के थोड़ा सोचेंगे नेचर के बारे में, तो दैट्स गुड, गुड इनफ फॉर मी, ठीक है। तो यार अपने वो यंगस्टर्स को ही ये सुधारना है माइंडसेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई हमारे हिंदू, मैं हिंदू हूँ बाय बर्थ, तो हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पवित्र होती हैं, पूजा का सामान, उसको हम डस्टबिन में नहीं फेंकते, तो हम बोलते हैं कि हमने उसको प्रवाह कर दिया किसी वाटर बॉडी में। वो तो पहले वो कहता था कि अगर तो वाटर बॉडी फ्लोइंग है तो ठीक है, उसमें चला गया, और पहले पॉलीथिन नहीं था, अभी भाई आ गया है पॉलीथिन, और जो पॉलीथीन है वो जाता है फस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो सारा सामान है वो डाला पॉलीथीन में और इधर लाके आके फेंक दिया, तो उससे हो जाती है वाटर बॉडी चोक। तो मैं दिखाता हूँ आपको कितने पॉलीथीन पड़े हैं यहाँ, और मतलब ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये सबका हो गया है, हिंदू है, सिख है, सब लोग इधर आके कुछ ना कुछ फेंक जाते हैं। और बाकी इधर उधर से वेस्ट इंडस्ट्रीज़ का वो भी आता है। हाँ ये तो ये हम पहुंच गए मेरे ख्याल से यहाँ पे ना, ये लोग खड़े भी हैं कुछ फेंकने के लिए। तो ये है हमारा कांजली वेटलैंड, ठीक है, एक मिनट आपको मैं दिखा के लाता हूँ। अभी लोगों ने क्या नया काम शुरू करा है कि भाई हम पॉलीथीन नीचे नहीं फेंकेंगे, हम यहाँ बांध के चले जाएंगे, ये आप देख रहे हैं, ये सब यहाँ बांध के चले गए कि भाई हमारी रिस्पांसिबिलिटी ख़त्म हो गई, हमने इसको कूड़े में नहीं फेंका। तो भाई क्या करा है ये भी, तो अब मैं क्या बोलूँ,
ये है मेंटालिटी हमारी कि हमने कूड़े में नहीं फेंकना है। भाई कूड़े में नहीं फेंकना है तो उतना सामान मत यूज़ करो, और अगर आपको इधर फेंकना भी है सामान तो पॉलीथीन से निकाल के फेंको, पॉलीथीन के साथ मत फेंको। ये देख रहे हो आप, को जाके दिखाता हूँ उधर मैं दूसरी साइड। तो इसमें कुछ गांव का वेस्ट, सीवेज वेस्ट आता है, कुछ इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट आता है, और हम जैसे लोगों का ये प्रवाह करने वाला वेस्ट नहीं बोलूँगा, मतलब उससे आई कैन हर्ट लोगों के सेंटीमेंट्स, बट यार ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक मतलब डैम सा बना हुआ है, और यही है स्थिति। वो देखिए बस, वो दो तीन बर्ड्स हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। वो आप देख रहे हैं वो बच्चे हैं वहाँ पे, शायद आपको नहीं दिख रहे होंगे, दूर हैं थोड़ा। तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो जाके नीचे से जितना भी वेस्ट है वो इकट्ठा करते हैं, जो लोग फेंक देते हैं पानी में, वो बच्चे वहाँ जाके वो वेस्ट उठाएंगे और जैसे यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे और फिर बेच के आएंगे कहीं पे जाके। अभी देखिए मेरे खड़े खड़े यहाँ पे, पहले एक वो फैमिली खड़ी है सामान फेंकने के लिए, ये दो भाई साहब और आ गए हैं, बट यहाँ पे जो फ्लो ही नहीं है पानी का, तो आप क्यों फेंकने आ रहे हो भाई ये सब यहाँ पे? वो हमारे यार होता है ना, पंडित लोग बोल देते हैं कि ये करो वो करो, काफ़ी सारे उपाय, तो इट्स द माइंडसेट ऑफ पीपल जो हमें सुधारना है अगर हमें ये बचाना है तो। पिछली वीडियो पे हमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि माय सिटी कपूरथला, माय ब्यूटीफुल सिटी कपूरथला, तो ये करते हैं हम अपनी ब्यूटीफुल सिटी के साथ। मैंने तो पापा को काफ़ी देर से मना किया हुआ है कि पहले पापा भी आते थे यहाँ पे, तो पहले वो आते थे यहाँ पे, अब मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं ये नहीं करना है, ये गलत है। मेरे ख्याल से लेक साइड थोड़ा सा ना कुछ बनाया था, वो उधर उधर के रास्ते से आएगा, तो आई गेस हमें उधर से जाना पड़ेगा। चलते हैं, लिखा हुआ है पिकनिक स्पॉट कांजली, ऑब्वियसली इट वॉज अ पिकनिक स्पॉट। कुछ टाइम पहले आते थे हम लोग, बोटिंग करने आते थे, पिकनिक मनाने आते थे, लेकिन अब इसका यही हाल है भाई, अब कोई हाल नहीं है इसका। यहाँ से हम जा सकते हैं ऊपर, वैसे आते हुए दिखाता हूँ आपको ऊपर जाके इधर से। तो आगे है वो पिकनिक स्पॉट, यहाँ पे बोटिंग हुआ करती थी यार, बर्ड्स आया करते थे, वेटलैंड्स का बोलते हैं कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वेटलैंड बोलते हैं उसको, कि बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स भी आते हैं बर्ड्स भी आते हैं। अभी ये है इसका हाल। आओ हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे भी आइए, आपको यहाँ पे भी दिखाते हैं, यहाँ पे भी लोग आते हैं अपना कुछ उपाय करने या कुछ वो सब करने। वो देख रहे हैं आप इतने सारे फूल फेंके हुए हैं उसके अंदर, वही तो है प्रॉब्लम। और ये जो बनाया है ना थोड़ा सा, ये भी संत बलबीर सिंह जी ने बनाया है, तो ये देखिए पीछे तो ये सब जो वीड है वो उगा हुआ है इतना सारा, तो यहाँ तो ये पूरा है ही नहीं, कुछ पानी तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है पूरा वीड दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे है पानी लेकिन उसका फ्लो नहीं है, उसमें आप देख सकते हैं पॉलीथीन है बहुत सारा। ये देखिए, मतलब सिंपल सी बात है, गुरु नानक देव जी ने कहा था
कि पवन पवन गुरु पानी पिता माता तर्त महत, कि जो पवन है हवा है वो गुरु है, उनको गुरु की तरह ट्रीट करो, पानी को पिता की तरह और धरती को माता की तरह। और ये कर रहे हैं हम रिलीजन के नाम पे ही। तो मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हिंदू करते हैं या सिर्फ सिख करते हैं, सब लोग ही करते हैं, ठीक है। इट्स दिस सुपरस्टिशन कि घर में कोई प्रॉब्लम है, शादी में बन नहीं रही है, गर्लफ्रेंड के साथ शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे लोग होते हैं वो बोल देते हैं भाई ये उपाय करो ये उपाय करो, मछली को ये डालो, कौए को ये डालो। भाई इसमें अंदर जो मछली है सब मर चुकी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग रोज़ आते हैं यहाँ पे और बहुत सारा सामान डाल के चले जाते हैं इसके अंदर। तो ये है सिचुएशन, अभी तो कोई बोट दिख भी नहीं रही है, बचपन में हम आते होते थे यहाँ पे बोटिंग करने। तो भाई अगर प्यार करते हो अपने शहर से, तो मतलब वही बात है कि ये सिर्फ कपूरथला की स्टोरी नहीं है, ये हर जगह की स्टोरी है। स्टॉप पोल्यूटिंग, ठीक है। हाँ जी चलें फिर, आ जाओ चलते हैं ऊपर। कुछ ऐसा कोई ख़ास व्यू नहीं है ऊपर से भी, इट्स जस्ट नॉर्मल। बस ज़्यादा गंद दिखेगा और कुछ नहीं। तो ये कांजली लेक हुआ करती थी, मतलब है, पानी का फ्लो उसमें ख़त्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट। तो वो देखिए वो भाई साहब अभी तक कुछ कुछ फेंक रहे हैं जब हम गए थे। और वो देखिए वो बच्चे हैं वहाँ पे, वो वेट कर रहे हैं कोई ऐसा वेस्ट आएगा जो वो बेच सकें बाद में, तो वो वहाँ से निकाल के बेचेंगे। हाँ ये है हालत। उनको दिख रहा है कि पानी इससे आगे जा ही नहीं रहा है, जो भी वो फेंकेंगे वो यहीं पे रह जाएगा। नहीं ठीक है, आई एग्री, बायो वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल है, बट भाई उसको भी टाइम लगेगा ना डिग्रेड होने में, यहीं पे गिर जाएगा वो सब, कहीं नहीं जाएगा। और देख रहे हैं आप वो बच्चे उठा रहे हैं सामान पानी में से, ये मैंने नई चीज़ देखी है, ये सही करा है गवर्नमेंट ने, इन्होंने यहाँ पे बोरियाँ लगा दी हैं कि भाई पॉलिथीन इसमें डाल दो, विच इज़ गुड, वेरी गुड। मुझे पता नहीं था ये चीज़ हो रही है, आई अप्रिशिएट कि ये हो रहा है, बट ये है सिचुएशन हमारी कांजली की। हाँ जी यही है। बर्ड्स देखिए थोड़े बहुत हैं, लेकिन पहले यहाँ पर बहुत बर्ड्स हुआ करते थे, अब तो ख़त्म हो गए, अब कोई बर्ड्स नहीं आते यहाँ पे। ये है कांजली। तो चलिए चलते हैं वापस घर पे। आप सोचना वीडियो देखने के बाद कि क्या कर सकते हैं आप, बता दिया वैसे तो मैंने कि क्या कर सकते हैं, आप सोचना उसके बारे में। और अगर आपकी रिलीजियस सेंटीमेंट्स को थोड़ी ठेस पहुंची हो तो आई एम सॉरी, बट यार जो है वो है, दिख रहा है जो सामने अभी हमें, ये कुछ दिनों में बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, चौक हो जाएगा, तब कहाँ पे परवाह करेंगे आप, हैं जी।